बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का और आप सभी दर्शकों से भी दर्शक मुझे लाइव जुड़ रहे हैं आप लाइव जुड़ रहे हैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत जो कि लगातार मुझे देख रहे थे प्राण के पावर पर की शक्ति देने का पावर पर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज इस वक्त मौजूद हूँ मैं दातुन विद्यालय मौजूदा जो की शादा तहसील के अंतर्गत आता है चौमा ब्लॉक के अंतर्गत है ग्राम मौजूदा में सब मौजूद हूँ। 26 जनवरी का पावन पर्व बड़े धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया गया है। समाज चेता की भूमिका में मुझे चार शब्द लगाए। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि प्राथमिक विद्यालय मौजूदा में प्राथमिक विद्यालय मौजूदा में महिला शक्ति का सम्मान भी किया गया वो भी खेल क्षेत्र की मशहूर किन्नर जो कि तमन्ना दीदी के नाम से भी जानी जाती है उनके द्वारा तो वो हमारे साथ इस वक्त पहुंचते हैं उनसे भी जानते हैं इस पावन पर्व पर उनका क्या कहना है और समाज सेवा की भूमिका रहती है लगभग दशकों से जैसा कि मुझे बताया गया अपनी अहम भूमिका निभाती है। बहुत बहुत स्वागत आपका और आपके पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सबको जय जय भारत। आज 26 जनवरी है और इस अवसर पर मैंने अपनी खुशी में साड़ियां बांटी हैं माता बहनों के लिए और बच्चों को लंच बॉक्स भी वितरण किए हैं क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है दान और पुण्य करने में क्योंकि ईश्वर ने एक जिंदगी दी है उसे भी परमात्मा के हवाले नहीं किया तो क्या जिंदगी की क्योंकि हमारी छोटी सी एक इंसान है सीरियल की तरह जीता है और सीरियल की तरह ही खत्म हो जाता है और इसमें भी थोड़ा सा दान पुण्य न किया तो क्या किया कहते हैं ना कि दान में से दान किया तीनों लोग पाए लियो क्योंकि दान में से दान करेंगे जभी तो हमारे बच्चे ये खुश रहेंगे इनकी खुशी के मौके पर जाकर के हम बधाइयां गाते हैं तो पैसे हमारे पास इकट्ठे होते हैं उनसे हम दान पुण्य करते रहते हैं गरीब बेटियों की शादी में कभी सम्मेलन में कभी भातवरना कभी मंदिर में तो कभी मस्जिद में क्योंकि हमारी एक जिंदगी अकेली है वो परमात्मा से जुड़ी होती है न तो हम औरत हैं न जेंट्स हैं हमारा एक तीसरी जाति बनाई है किन्नर तो 14 वर्ष के लिए राम जी वनवास के लिए गए थे तो सरजू नदी के तट पर खड़े रहे थे किन्नर लोग क्योंकि 14 वर्ष पूरे होने के बाद वापस आए तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं गए तो रामचंद्र जी से किन्नरों ने जवाब दिया प्रभु न तो हम नर है न नारी है जब वरदान दिया कि जाओ कलयुग में तुम्हें दुनिया पूजेगी और घर घर जाकर के बधाइयां दोगे उनके घरों में खुशियों का माहौल बनेगा तुम सबके घरों में जाके तो दुआ दोगे। जय हिंद जय भारत। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस श्रृंखला में जो प्राथमिक विद्यालय के राणा अध्यापक और सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं आइए उनसे भी जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है आपके पावन पर्व पर। धन्यवाद सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज प्राथमिक विद्यालय अधूता के प्रांगण में 75वां गणतंत्र दिवस मैं आभारी हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ समाज सेविका बहन तमन्ना जी का भाई कमल सिंह जी का हाकिम व्यास जी का विष्णु पत्रकार जी का और अन्य सभी सम्मानित गांव के गणमान्य नागरिकों का जो उन्होंने विद्यालय में आकर के हमारे नन्हे बन्ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया उनका उत्साहवर्धन किया। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तमन्ना जी जो कि हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी उन्होंने गांव की मातृशक्ति को साड़ियां वितरित की बच्चों के लिए लंच टिफिन वितरित किए मैं उनका शुक्रगुजार हूं और उनसे आशा करता हूं कि इसी तरह के समाज सेवा में जो आपने आगे हाथ बढ़ाया है हमेशा मनोयोग से समाज की सेवा में तल्लीन रहे। साथ ही हमारे विद्यालय में आकर के भी समय समय पर हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाती रहे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों भी हमसे बातचीत करने के लिए आपने देखा किस तरह उन्होंने अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत किया।